मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू टॉपिक सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम स्टार्ट करेंगे। देखो, सांप्रदायिकता की जो भावना है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही इससे जो विकास की प्रक्रिया है वो भी अवरुद्ध होती है। सांप्रदायिकता की भावना के कारण से देश जो है वो दो टुकड़ों के अंदर बट सकता है या उसकी एकता और अखंडता जो है उनको खतरा पैदा हो सकता है। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे फर्स्ट आपसी द्वेष की भावना सांप्रदायिकता के कारण से पैदा होती है। सबसे फर्स्ट जो है वो है आपसी द्वेष। देखो, सांप्रदायिकता के कारण से समाज जो होता है उसके अंदर फूट पड़ती है, आपसी द्वेष और अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। जो एक वातावरण है देश का वो खराब होता है। कई बार एक छोटी सी घटना जो होती है वो भी एक बड़ा सांप्रदायिकता के कारण से एक बड़ा रूप जो है वो ले लेती है, जिसके कारण से देश की जो शांति व्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट जो है वो है आर्थिक हानि इससे बहुत अधिक होती है। आर्थिक हानि, तो देखो सांप्रदायिकता के कारण से बहुत अधिक दंगे जो है वो भड़कने लगते हैं, बहुत अधिक विनाश होता है। कई बार आप लोग देखते हो गाड़ियाँ जो है या बाज़ार के अंदर गाड़ियाँ वगैरह जला दी जाती हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया जाता है। कई दिनों तक बाज़ार जो है वो पूरी तरह से बंद रहते हैं। बेचारे जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। और कई बार जैसे आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि जो आतंकी बहरान की जब मौत हुई थी, तो जो जम्मू कश्मीर जो था वहाँ के पूरे बाज़ार कश्मीर के वो बहुत महीनों तक उसको बंद करना पड़ा था। तो जम्मू कश्मीर में जो आज मेन वहाँ की जो इकोनॉमी इतनी पिछड़ती जा रही है या वहाँ की जो हालत हो रही है उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे जो है वो बहुत अधिक होते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो उसमें शांति कायम नहीं रह पाती है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इससे प्राण हानि जो होती है वो भी बहुत अधिक होती है। अब जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो आपने देखा होगा सैकड़ों लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं, हज़ारों घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं। आप रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बॉम्बे के अंदर जो भी ये झगड़े वगैरह दंगे वगैरह हुए हैं इनमें आप देखेंगे हज़ारों की संख्या के अंदर लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ठीक है, तो ये भी इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। फिर राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक अस्थिरता जो होती है वो भी बहुत अधिक बनती है इससे। इससे क्या होता है, राजनीतिक समस्याएं बहुत अधिक पैदा होती हैं सांप्रदायिकता के कारण से, जिससे क्या होता है सरकार का जो स्थिरता है उसका जो स्थायित्व है वो भी प्रभावित होता है। स्थायी सरकार जो है वो बन नहीं पाती, सदा जो है वो विकास कार्य नहीं कर पाती। वो क्या करती है, मेन उसका फिर यही रहता है वो कैसे भी अपने आप को बनाए रखे, अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो सारा ध्यान केवल ये लगा देती है कि मैं सत्ता में बना रहा हूँ। और इसलिए कई बार वो विकास कार्य जो होते हैं उन पर भी कोई भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण से देश का जो विकास होता है उसकी गति अवरुद्ध होती है। ठीक है, फिर ये जो व्यवस्था है ये क्या है, राष्ट्रीय एकता जो है उसमें बहुत अधिक बाधक है। राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है ये। अब क्या है, सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्र की एकता जो है या भाईचारा जो है उसकी भावना को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, समाज के अंदर फूट पैदा करती है, जिससे नागरिकों में जो एकता की भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन राष्ट्र के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर अपन चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बना रहे तो उसके लिए नागरिकों में एकता का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूट हमेशा कमज़ोर करती है। ठीक है, फिर राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है इससे। अब क्या है, आप देखोगे जैसे भारत है उसके अंदर बहुत से संप्रदायों के लोग रहते हैं। अब अगर सारे लोग शांतिपूर्वक ढंग से रहेंगे तो विकास कार्य अच्छे से होगा, सबका मिलजुल करके रहना बहुत अधिक आवश्यक है अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो सांप्रदायिक भावना फैलती है इसके कारण से देश की जो एकता होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फिर नेक्स्ट इसका प्रभाव ये होता है कि औद्योगिक और व्यावसायिक विकास जो होता है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। देखो, अगर किसी देश के अंदर अशांति होगी, वहाँ का माहौल ख़राब होगा, तो वहाँ पर कोई भी व्यवसायी जो है वो अपना धन नहीं लगाएगा, कोई भी पूंजीपति जो है वो अपना धन वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, निवेश नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे या सांप्रदायिक अशांति होगी किसी देश के अंदर, तो इसका मेन इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि देश या जो वो क्षेत्र विशेष है वो विकास की दृष्टि में धीरे धीरे पिछड़ता जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे पंजाब का एक उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के पथ पर
वो बहुत ज्यादा पीछे की तरफ में धकेल चुका है आज सांप्रदायिक दंगों के कारण। ठीक है, फिर सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए वही जो इसके रीजंस हैं उन्हीं को हमें दूर करना होगा। जैसे कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सांप्रदायिकता को किसी भी प्रकार से बढ़ने ना दे, सभी के साथ समानता का व्यवहार रखे। फिर नेक्स्ट जो है वो शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप सांप्रदायिकता की समस्या को दूर कर सकते हो, लोगों को नैतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों के बारे में जानकारी दे करके, उनमें एक ये भावना देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करके, उनके ये भावना उनमें जगा करके कि ये जो सांप्रदायिकता की भावना है ये देश की एकता के लिए बाधक है, तो ये भावना जागृत करके शिक्षा के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है। फिर सरकार को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि वो किसी विशेष वर्ग को कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं करे, जिससे कि किसी अन्य वर्ग जो है या दूसरे धर्म के लोगों में कोई ये भावना पैदा ना हो कि इस धर्म के लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार कोई विशेष रियायत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और तुष्टिकरण की नीति भी सेम यही है कि किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सरकार को सभी समान रूप से कार्य करने चाहिए। अल्पसंख्यकों के मन में भी ऐसा कोई भावना जो है वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उनको कोई विशेष अधिकार वगैरह, मतलब बहुसंख्यकों को कोई विशेष अधिकार वगैरह प्रदान नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे भी असंतोष पैदा होता है। और सबसे बड़ा रीज़न अगर अपन देखें सांप्रदायिकता का, तो वो चुनावी राजनीति ही है। तो सरकार को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रचार के अंदर या किसी भी रूप में धर्म का सहारा ले रही है तो उस दल पर ही प्रतिबंध लगा देने चाहिए। ठीक है, और शिक्षा नीति जो है उसको उदार करना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर सर्वधर्म संभाव की भावना को बढ़ाया जाना चाहिए, साहित्य के जरिए, मीडिया के थ्रू बहुत सारे आप ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करें जिससे कि लोगों को धर्म विशेष की जानकारी मिले, मतलब एक दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जाने, जानकारी मिले उन लोगों को। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि धर्म के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल का निर्माण नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से जो धर्म आधारित पार्टियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006। तो देखो, इसमें भारतीय मुसलमान जो है उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जो है उसके अध्ययन के लिए और उसमें सुझाव लाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे राजेंद्र सिंह सच्चर, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे। लेकिन बस इन्होंने मेन चीज़ ये कही थी कि 4.5% आरक्षण, जो पिछड़ा वर्ग जो है कोटे में 4.5% आरक्षण देने के लिए बात करी थी इन्होंने। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने भी इसको खारिज कर दिया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता इंडिया में, ठीक है ना। तो मेन चीज़ इसके अंदर यही बताई गई थी, सच्चर कमेटी की जो प्रतिवेदन था उसको स्वीकार जो है वो नहीं किया गया। तो इस प्रकार से ये आपका सांप्रदायिकता का जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।